नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। जब से मैंने बायो कंट्रोल एजेंट की जो 375 सीरीज बनाई थी और जो 385 सीरीज है वो अभी चल रही है, तब से बहुत किसानों के फोन आते हैं और उनमें से एक मुख्य सवाल होता है कि क्या हम इसे गुड़ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी हो, बायो कंट्रोल एजेंट्स जो मैंने 8 बताए थे, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, मेटारिजियम, बवेरिया बशियाना आदि जितने भी हैं, पेसिलोमाइसिस, या बायो फर्टिलाइज़र जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग है, एसिटोबैक्टर है, एजिटोबैक्टर है, राइजोबियम है और फॉस्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, क्या हम इनको गुड़ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसान साथियों, अभी तक जितना भी मैंने जो रिसर्च पेपर हैं ढूंढने की कोशिश की है उसमें मुझे इसका कहीं भी प्रमाण नहीं मिला। लेकिन ये सवाल उठा क्यों है? ये शायद जो गुड़ में मल्टीप्लिकेशन का सवाल है ये उठा है जीवामृत से, क्योंकि जीवामृत में हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं और जीवामृत हमारी एंशियंट टेक्नोलॉजी यानी पुरानी पद्धति है। लेकिन क्या जो किसान करते हैं वो सही है या नहीं? किसान साथियों, मुझे एक किसान मिले और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट मिले जिन्होंने कहा कि हमने किया है और हमने इसका जो है ना लेबोरेटरी में इसको टेस्ट भी कराया है। उनमें से एक है मेरे मित्र धर्मवीर सिंह जी जो जैविक खेती करते हैं और वो सभी बैक्टीरिया को या फंगस को इकट्ठे मल्टीप्लाई करते हैं, और लेकिन वो गोबर में करते हैं, उनको जो गोबर की खाद होती है उसमें करते हैं। एक है जगपाल सिंह जी जो मैंने बताया था, फार्मर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओ है और वे लिक्विड में इन सबको उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा हम तो सभी को गुड़ में मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने उनसे एक सवाल पूछा, यहाँ पर मैं थोड़ा भ्रमित हुआ क्योंकि दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने कहा कि क्या इनमें जो गुड़ में और पानी में या जो कंटेनर है, जो ड्रम है, उसमें जो कंटामिनेशन होता है यानी जो अशुद्धियां होती हैं, क्या उनका इन पर असर नहीं पड़ता? तो वो कहने लगे कि हाँ पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको जो पानी है गर्म कर लेते हैं और गुड़ को उसमें घोलकर गर्म करते हैं, उसे स्टरलाइज कर लेते हैं और तब हम करते हैं। इसका मतलब जो हमें आधी सूचना मिलती है कि गुड़ में मल्टीप्लाई करते हैं वो सही नहीं है। किसान साथियों, मैंने आपको पता है कि मेरे कॉन्टैक्ट में दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एक हैं तुषार भाई पटेल और एक हैं डॉक्टर राजन, जो डॉक्टर राजन लेबोरेटरी के संस्थापक हैं। तो मैंने दोनों माइक्रोबायोलॉजिस्ट से एक सवाल पूछा कि क्या ये सही है? उन्होंने कहा नहीं, ये सही नहीं है, कंटामिनेशन का बहुत फर्क पड़ता है, अगर ऐसा होता तो सभी किसान बाजार से ना खरीद कर अपने यहाँ इनको मल्टीप्लाई करते रहते। अभी कुछ दिन पहले मैं अहमदाबाद गया था, एक हम प्रयोग कर रहे हैं जो एडवांस जीवामृत पर है, जो एनोरबिक जो पद्धति है जीवामृत तैयार करने की उस पर है, तो हमारे कुछ प्रयोग चल रहे हैं। तो मैंने तुषार भाई से रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरे लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप बताइए, मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आपके या किसानों के कुछ काम आ सका। मैंने उन्हें बताया कि आपका कोई भी एक बायो कंट्रोल एजेंट ले लीजिए, ऐसा लीजिए जिसे देखते ही लोगों को ये पता चले कि हाँ ये बायो कंट्रोल एजेंट है, मुझे उसका CFU चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो भी हो जाएगा, आगे बताइए। मैंने कहा आप दो जगह पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक बीकर में आप उसको लीजिए और उसको स्टरलाइज कीजिए, उसमें वही गुड़ गर्म पानी में आप स्टरलाइज कर डालिए, एक निश्चित मात्रा में आप उसमें गुड़ मिलाइए, वही गुड़ दूसरे बीकर में लीजिए कि जिसमें आप कोई भी स्टरलाइज नहीं करेंगे। जब दोनों बीकरों में सेम, जो एक पैकेट खोलिए अपना कोई सा भी और उसमें से जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो डालिए और 5 दिन बाद मुझे बताइए कि दोनों में क्या प्रभाव हुआ, दोनों का CFU काउंट कितना है। बड़ा साधारण सा एक प्रयोग है, आइए सुनते हैं तुषार भाई पटेल को।
नमस्कार किसान साथियों, आज हम ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि जो किसान बैक्टीरिया कल्चर जो मार्केट में से लाते हैं, बैसिला से, सुडोमोना से, ये सब, उसको गुड़ वाले पानी में ग्रोथ करके 4-5 दिन 6 दिन रखते हैं और उसका ग्रोथ बढ़ाते हैं, तो उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है और साइड इफ़ेक्ट होती है वो करेंगे कि वो सही प्रैक्टिकल है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने 5 ग्राम गुड़ पहले से ही वजन करके रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हो 5.04 ग्राम है। उसको मैं एक फ्लास्क में डाल रहा हूँ जिसका वॉल्यूम मैंने 200 ml लिया हुआ है। दूसरा भी एक फ्लास्क है जिसमें मैंने पहले से वजन किया हुआ है गुड़ का, 200 ml पानी में रखूँगा। अभी एक फ्लास्क को मैं स्टरिलाइज करूँगा 121 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 15 से 20 मिनट तक, और एक फ्लास्क को मैं विदाउट स्टरिलाइजर स्टरिलाइज किया बिना रूम टेम्परेचर पर रख दूँगा, और बाद में जब यह स्टरिलाइज हो जाएगा उसके बाद ठंडा होगा तब मैं दोनों में कोई भी एक बैक्टीरिया सुडोमोनास या बैसिलस डालूंगा और फिर उसको 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक रखेंगे। और किसान साथियों, मैंने जो पहले आपको वीडियो में बताया कि हमने 250 ml फ्लास्क में 200 ml पानी लिया, उसमें 5 ग्राम गुड़ डाला है, यहाँ हमने ऑटोक्लेव किया है, ये ऑटोक्लेव साइकिल ख़त्म हो गई है और ये गर्म जो फ्लास्क है 15 मिनट के बाद हमने निकाला हुआ है। दो फ्लास्क आप देख रहे हो, इसमें गुड़ था जो गर्म किया हुआ है 15 मिनट तक, और ये ऐसे ही रखा हुआ है। बाद में इन दोनों में कोई भी एक कल्चर दोनों में डाल देंगे और क्या होता है 4 दिन के बाद 8 दिन के बाद 5 दिन के बाद वो स्टडी। किसान साथियों, जो हमने पहले वीडियो में देखा कि जो ये दो फ्लास्क है उनमें से एक फ्लास्क को स्टराइल किया है, उसको मैंने एक नंबर दिया है, और तो दूसरे नंबर वाला फ्लास्क है जो स्टराइल नहीं किया हुआ, उसमें सिर्फ गुड़ है, तो दोनों में 5-5 ग्राम गुड़ है। 200-200 ml पानी में टैप वाटर लिया है, नॉर्मल पीने वाला पानी, इसमें एक नंबर को स्टराइल किया है, दो नंबर को स्टराइल नहीं किया, और ये मेरे पास सुडोमोनास बैक्टीरिया का कल्चर है जो हल्का सा ग्रीन कलर दिखेगा, इन दोनों में हम ये कल्चर डालेंगे और फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे रूम टेम्परेचर पर, तो क्या असर आएगा वो हम देखेंगे 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद। ये लेमिनर एयर फ्लो मशीन है, ये इंस्ट्रूमेंट अंदर ऐसा होता है कि सामने से हेपा फिल्टर है, वहाँ से स्टराइल हवा चलती है और फ्लास्क के आगे और फिल्टर के बीच में ये बर्नर है, मतलब हवा जो भी आएगी वो स्टराइल आएगी, फिर भी बाय चांस कोई कंटामिनेशन रहता है तो भी ये बर्नर के आगे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों के अंदर मैंने एक समान सा सुडोमोनास का कल्चर डाल दिया है। अभी इसको मैं रूम टेम्परेचर पर यहीं लेमिनार के अंदर ही रख दूंगा 4 दिन 5 दिन 6 दिन, क्या कंडीशन होती है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा स्टराइल कंडीशन में ये रखा हुआ है, हम फील्ड रिजल्ट देखेंगे 5 से 7 दिन के बाद। तो हमने एक नंबर और दो नंबर वाले फ्लास्क में कल्चर डाला था सुडोमोनास का, उसको आज 5 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नंबर में जो ग्रोथ था वो कैसा दिखाई दे रहा है। हमने जो पहले दिन इसमें जो कल्चर डाला था सेम उसी तरह का ग्रोथ है इसमें, और आज 5 दिन हो चुके हैं, 2 नंबर और 1 नंबर का ग्रोथ देखिए। 2 नंबर में आपको गैस फॉर्मेशन आएगा, ऊपर बबल्स दिखाई देते हैं, 1 नंबर में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये हुआ जो हमने प्योर कल्चर सुडोमोनास का दोनों फ्लास्क में डाला था उसमें कुछ तो गड़बड़ है। 2 नंबर में गैस प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब दूसरे कोई फॉरन कल्चर भी आ चुके हैं पानी में से, गुड़ में से, या तो हवा में से आए हुए, मगर 1 नंबर में ऐसा नहीं है। आपके सामने प्रैक्टिकल किया था, आपको पता है कि हमने दोनों के अंदर स्टराइल कंडीशन में कल्चर डाला हुआ है, मगर फिर भी 2 नंबर में प्योरिटी मेंटेन नहीं हो रही है। यही होता है हमारे साथ जब हम 200 लीटर या 100 लीटर के बैरल में पानी डाल के, गुड़ डाल के घर पे कल्चर तैयार करते हैं, उसमें प्योरिटी मेंटेन नहीं होती तो रिज़ल्ट हमें प्लस माइनस मिलते हैं। तो इसी वजह से जब भी आप ये प्रयोग करें तो ये सावधानी रखें कि बिना स्टरिलाइज किया हुआ मटेरियल आप घर पे प्रयोग ना करें, हो सके तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही खेत में अप्लाई। जो उन्होंने बैक्टीरिया ऐड किया था उसका CFU काउंट था 2×10⁻¹। किसान साथियों, जब उन्होंने मुझे इसे भेजा तो उन्होंने कहा कि जो मेरा 1 नंबर है जिसे मैंने स्टरलाइज किया है और ये 2 नंबर है जिसे स्टरलाइज नहीं किया, दोनों के रंग में अंतर है। इसका अर्थ ये हुआ उनकी भाषा में, एक माइक्रोबायोलॉजी जैसे एक डॉक्टर देखकर ही बता सकता है कि इसमें जीवाणु जो आपके बैक्टीरिया हैं उनकी वृद्धि कम हुई है और इसमें अधिक हुई है, यानी पहले में अधिक हुई है और दूसरे में कम हुई है। मैंने कहा नहीं,
मुझे ये बताइए कि जिसे आपने स्टरलाइज किया था, यानी जो पानी को आपने गर्म किया था और गुड़ को भी उसे स्टरलाइज किया था, यानी कि जर्म फ्री किया था, उसमें कितना CFU काउंट है और दूसरे में कितना है। तो मुझे उन्होंने बताया कि जो पहले वाला है, एक नंबर है जिसे स्टरलाइज किया था, उसमें अधिक है, लेकिन जो दूसरा है उसमें बहुत कम है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अगर हम किसी ड्रम में लेते हैं और कोई भी गुड़ उसमें डालते हैं और जब बैक्टीरिया या फंगस को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंटामिनेशन की वजह से जो उसमें अशुद्धियां होती हैं उनकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस हैं, वे उसको नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी जो सघनता होती है उसको कम कर देते हैं, यानी जितना CFU काउंट हमें मिलना चाहिए था उसको कम कर देते हैं। किसान साथियों, ये था एक हमारा छोटा सा प्रयोग। आप देखिए एक नंबर में जो स्टरलाइज किया था उसमें मात्रा कितनी है और जो हमने स्टरलाइज नहीं किया था उसमें मात्रा कितनी। किसान साथियों, अगर आपको गुड़ में मल्टीप्लाई करना है, कोई भी बायो फर्टिलाइजर हो या बायो कंट्रोल एजेंट्स हो, तो उसे इस प्रकार करें कि गुड़ भी शुद्ध हो और पानी भी शुद्ध हो और आपका कंटेनर भी शुद्ध हो, तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। जैसा कि जितने कम बैक्टीरिया इसमें हुए हैं, जो हमारा 2 है। किसान साथियों, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।